Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So today we'll be talking about another respiratory condition, or it's not so common in our country. West mein, Europe mein zyada common hai, lekin still cases are seen in this country as well. या इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अनडायग्नोज्ड हो जाती है, आप कंसिडर नहीं करते, तो इसलिए इसका इंसिडेंस बजायर कम है, लेकिन इन रियलिटी इसका इंसिडेंस काफी सारा होना चाहिए. So anyhow, this is basically a short story of a 10-year-old boy and who complained with complaint of shortness of breath. और इसकी जो shortness of breath थी, that was on exertion. जब सीढ़ियाँ चढ़ता था या दौड़ता था या तेज चलता था, उसको shortness of breath होती और साथ wheezing होती थी. और this was present for the past 1 month. इसके साथ उसको associated intermittent dry cough थी. तो basically उसकी presently complaint एक shortness of breath थी, प्लस उसको इंटरमीडियंट ड्राई कफ की शिकायत थी. इसके अलावा देयर वाज नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनी फीवर, चिल्स, चेस्ट पेन, कोई पल्मोनरी हिस्ट्री डिजीज की नहीं थी, और इट वाज नॉट एस्थमेटिक, और कोई और रेस्पिरेटरी कंडीशन कोई उसको नहीं थी. तो इट वाज शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ दिस पेशेंट. उसकी जो मदर थी, उसने कहा कि उसकी मदर का एक कजन है 65 ईयर्स ओल्ड, और ही इज बेसिकली इन हॉस्पिटलाइज एंड इज सफरिंग फ्रॉम diagnosed as mesothelioma. Mesothelioma is a rare tumor of the pleura. Pleura is a rare tumor, hai, or it is basically seen in patients suffering from some occupational lung disease. मैं भी नाम नहीं लेता सॉरी disease का, लेकिन occupational lung disease है, उसकी association है mesothelioma की categorically. Mesothelioma basically mesothelium का tumor होता है, जहाँ पे जहाँ भी हमारी body mesothelium है वहाँ उसे, जैसे प्लूरल प्लूरल की मेसोथेलियम होती है तो प्लूरल का ट्यूमर हो जाएगा, प्लूरल पेरिटोनियम प्लूरल का, इस तरह पेरिटोनियम का हो सकता है. तो लेकिन मेनली इट इज सीन इन द प्लूरल. और वो जो उसका कजन था, ही वाज बेसिकली हैविंग अ जॉब ऑफ अ वर्कर इन द स्कूल, और जहाँ उसका जो काम था वो क्लीनिंगनेस था, सफाई का था, और जो रूम बॉयलर रूम मेंटेनेंस का उसकी इसमें उसकी उसकी जॉब थी. तो बेसिकली उसका जो जॉब था, दैट वाज इन्वॉल्व्ड विद द क्लीनलीनेस एंड जो बॉयलर का जो जो रूम मेंटेनेंस थी, उसका उसका जॉब था. ये जो बच्चा था 10 साल का, ये भी इसकी कोई रेगुलर जॉब तो नहीं थी, लेकिन ही यूज्ड टू गो टू द स्कूल एंड हेल्प हिज अंकल. ये जो उसका मामू था, उसको तो उसकी तो रेगुलर जॉब थी क्लीनिनेस की ये स्कूल में, लेकिन ये लड़का भी बच्चा जो था, ये उसके साथ हेल्प कराता था. तो वो उसका भी एसोसिएशन वही थी कि जहाँ उस एनवायरनमेंट में वो इसका मामू रहता था, ये भी उसी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहता था. एग्जामिनेशन के ऊपर उसमें कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं था, नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वाज सिटिंग कंफर्टेबली, रेस्पिरेशन और अनलेबर्ड. एंड जब ऑस्कल्टेट की गई उसकी चेस्ट, तो उसमें बायलैटरल डिफ्यूज एक्सपायरेटरी वीज थी. वीज जो होती है, उसका जो अंडरलाइन मैकेनिज्म है, एक ही है कि दिस बिकॉज ऑफ ब्रोंकोस्पैज. जो हमारी ब्रोंकाए होते हैं, उनकी नैरोइंग हो जाए तो देन द साउंड बिकम्स वीजी, उसकी विस्लिंग साउंड सी होती है, और मोस्टली इट इज सीन ज्यूरिंग एक्सपायरेशन. एक्सपायरेटरी फेज रेस्पिरेटरी साइकिल में ये वीज आती है. तो उसकी जो चेस्ट में डिफ्यूज, यानी ऑल ओवर देयर वाज एक्सपायरेटरी वीज इन हिज चेस्ट, बट ही वाज नॉट इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एट दैट टाइम. उसकी जो स्पायरोमेट्री की गई, जो लंग फंक्शन टेस्ट होते हैं, उसमें जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी थी, दैट वाज ऑलमोस्ट 95% प्रेडिक्टिव वैल्यू, कि अभी स्टार्ट हो रही थी उसकी डिजीज. फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड वाज 88% ऑफ द प्रेडिक्टिव वैल्यू, और जो FEV to FVC रेशियो थी, दैट वाज 70%. इसका मतलब उसकी FEV1 टू FVC, यानी फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड टू फोर्स वाइटल कैपेसिटी रेशियो वाज 70%, दैट वाज नॉट लो. द रिमेंडर ऑफ द एग्जामिनेशन वाज इन द नॉर्मल लिमिट्स. चेस्ट एक्सरे इस बच्चे का ठीक था, इसमें चेस्ट एक्सरे वाज नॉर्मल, देयर वाज नो एबनॉर्मल फाइंडिंग इन इस चेस्ट एक्सरे. तो अब दिस शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट सिनेरियो, तो व्हाट इज द डायग्नोसिस, किसको क्या कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि उसकी हिस्ट्री एस्थमा की तो नहीं थी, लेकिन बायलैटरल वीजिंग थी. तो क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या हो गया बच्चे को, क्या शिकायत हुई है, चलें बताएं जी.
अंश बताओ बच्चे, अंश अब्दुल्ला बताओ क्या शिकायत सस्पेक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद द पेशेंट, व्हाट इज दिस जी? हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। कायनात आप बताओ बच्चे, व्हाट्स रॉन्ग विद द पेशेंट? कुछ बता तो दो बच्चा, गलती बताओ, कुछ तो कहो। एस्बेस्टोसिस। सॉरी, एस्बेस्टोसिस तो इसलिए आपने शायद कह दिया कि वो आपको कन्वे कर दिया था समीर ने, मेरे ख्याल में कि वो दूसरी लेक्चर होगा। एक्चुअली ये मैं इसके फेवर में नहीं था कि टॉपिक्स बता दें, लेकिन बहरहाल ये रिक्वायरमेंट है हमारी रिकॉर्ड में रखने के लिए, तो गुड ठीक है। वो डायग्नोज एस्बेस्टोसिस, लेकिन पहले आपने एस्बेस्टोसिस नहीं कहना, पहले आपने कहना ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। एस्बेस्टोसिस डेफिनेटली इज अंडरलाइंग डायग्नोसिस, लेकिन आपने कहना ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है, फिर उसमें आपने ये देखना है किस बेसिस के ऊपर आप इसको एस्बेस्टोसिस कहेंगे, ठीक है ना? इट्स एन ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन सी टाइप की ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। तो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज वही होगी, उसी से पेशेंट सफर करेगा जिस ऑक्यूपेशन में, जिस एनवायरमेंट में, या जिस सर्कमस्टांसेस में वो रह रहा है या रह रहा था। तो उसमें आप जैसे बताया कि इट वॉज ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, तो इसमें अब आप ये देखें उसकी ऑक्यूपेशन क्या थी। ही वॉज अ 10 year old चाइल्ड, उसकी रेगुलर ऑक्यूपेशन तो थी नहीं, लेकिन ही वॉज एक्सपोज टू द एनवायरमेंट जहाँ उसके अंकल का भी काफी अर्से से वो जॉब कर रहा था। तो हिज अंकल सफर फ्रॉम मेसोथेलियोमा। सो मेसोथेलियोमा इज टिपिकली करेक्टरिस्टिकली एसोसिएटेड विद एस्बेस्टोसिस एक्सपोजर। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है एस्बेस्टोसिस का। अगर आप कुछ लें वायमा में पूछ ले कोई शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो मेसोथेलियोमा जो है इट इज करेक्टरिस्टिकली एसोसिएटेड विद एस्बेस्टोस एक्सपोजर। काफी अर्से एस्बेस्टोस एक्सपोजर रहा, दूसरे ये मेसोथेलियोमा हो जाता। तो ये तो ऑब्वियसली बात हो गई, उसके अंकल को एस्बेस्टोसिस था, उसकी कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो गई मेसोथेलियोमा, और इस बच्चे को जो उसी एनवायरमेंट में ज्यादा अंकल के साथ हेल्प करा था, तो इसकी भी सिम्टम भी स्टार्ट होने शुरू हो गए, जिसमें वीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और इंटरमीडियंट ड्राई था। तो डायग्नोसिस ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज एंड मोर लाइकली इट इज एस्बेस्टोसिस। तो अब ये जो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज आपने कहना है, और फिर जब उसकी टाइप पूछी जाए तो उसमें कहना है मोर लाइकली इट इज एस्बेस्टोसिस। अब व्हाट इज एस्बेस्टोसिस? एस्बेस्टोसिस उर्दू में जिस तरह आपको समझाने के लिए कि ये जो कंस्ट्रक्शन होती है, इमारतें बनती हैं या कोई मेटेलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसमें जो मादनी मादा यूज किया जाता है, थोड़ा सा स्लाइटली नॉट सो सॉलिड, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में सॉफ्ट सा, तो वो उसको कहते हैं एस्बेस्टोस। सो दिस इज बेसिकली रेशेदार मादनी मादा जिसमें रेशे हों, फाइबर्स बन रहे हों, जो भी हो मटेरियल उसके अगर फाइबर्स बन रहे हैं, तो उसके नतीजे में जो वो प्रोडक्ट आएगी सामने उसको एस्बेस्टोस कहते हैं, और उसके एक्सपोजर से जो डिजीज होती है एस्बेस्टोसिस। दिस इज रेशेदार मादनी मादा, और ये यूजली कंस्ट्रक्शन के वर्क में ज्यादा पेशेंट में हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली रेशेदार मादनी मादा। एस्बेस्टोसिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग हो जाती है लंग्स की, फाइब्रोसिस होता है, स्कारिंग होती है ड्यू टू एस्बेस्टोस फाइबर्स। और इसमें जो एस्बेस्टोस के फाइबर्स अंदर कैसे जाते हैं, इट इज बेसिकली थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पेशेंट छोटे छोटे नन्हे नन्हे फाइबर्स होते हैं, इसको इनहेल करते हैं, नजर नहीं आते, और उसका नतीजा ये होता है कि वो पेशेंट को इनहेल करते 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 अल्टीमेटली दे गेट डिपॉजिट इन द लंग्स, और वहाँ ये इन्फ्लेमेशन पहले करते हैं और फिर फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग वगैरह करते हैं और लंग्स को श्रिंक कर देते हैं। सो इट इज कॉज्ड बाय ब्रीदिंग इन एस्बेस्टोस फाइबर्स, और इट इज टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल पल्मोनरी डिजीज या इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जो होती है उसकी मुख्तलिफ टाइप है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट टाइप एस्बेस्टोसिस भी है। एस्बेस्टोसिस देन ए टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो ये आपको बता रहा हूँ कि कुछ इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस एग्जाम्पल है, तो उसमें नंबर वन एस्बेस्टोसिस एज फॉर ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज कंसर्न। प्राइमरी सिम्टम जो इसका होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, जैसे हमारे पेशेंट में भी था, और स्पेशली विद फिजिकल एक्टिविटी यानी उन्हें एक्जर्शन होती है, कफिंग हो सकती है, वीजिंग जो एक्सपायरेटरी वीज विदाउट स्टेथोस्कोप सुनाई दे एक्सपायरेशन में वो भी हो गई, और चेस्ट टाइटनेस होती है। अब ये फीचर्स एस्थमा के भी हैं, लेकिन इस पेशेंट की देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ एस्थमा,
और लेकिन इसका सिग्निफिकेंट एक्सपोजर था एस्बेस्टोस के ऊपर और इसके मामू को भी एस्बेस्टोस हो गया, मेसोथेलियोमा हो गया, तो उसकी वजह से इसमें डायग्नोसिस एस्बेस्टोस इज नॉट ब्रोंकियल एस्थमा। लेकिन क्लिनिकली वीजिंग इसमें भी होती है, एस्थमा में भी होती है। कॉम्प्लिकेशन इसकी होती है एस्बेस्टोसिस की, सिग्निफिकेंस इटसेल्फ, इट इज अ इनक्यूरेबल डिजीज, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर एस्बेस्टोसिस येट। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट किया जा सकता है या उसके डिजीज को थोड़ा बहुत हॉल्ट किया जा सकता है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में ट्यूमर्स हैं इसमें, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा मैं आपको करा चुका हूँ, एंड देन मेसोथेलियोमा। मेसोथेलियोमा इज अ ट्यूमर ऑफ द मेसोथेलियम लाइनिंग ऑफ द लंग्स, यानी पैराइटल ट्यूमर की हो सकती है। और इसमें जो इसकी लिंक है, एसोसिएशन है इटियोलॉजिकली, दैट इज एस्बेस्टोस एक्सपोजर। और पल्मोनरी हार्ट डिजीज, जिसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गई है, कॉर्पोरल मेलि भी हो सकता है। तो ये तीन कॉम्प्लिकेशन है एस्बेस्टोसिस की। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी ATS जनरल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, उन्होंने तीन चार क्राइटेरिया बताए। पहले तो उन्होंने क्या है कि स्ट्रक्चरल एविडेंस होना चाहिए पैथोलॉजिकली या हिस्टोलॉजिकली कि ये एस्बेस्टोसिस है। तो उसमें रेडियोलॉजिकली एक्सरे पर भी प्लाक्स नजर आ सकते हैं, कैल्सिफिकेशन हो सकती है, सीटी चेस्ट HRCT हायरोलॉजी सीटी स्कैन जो होती है मोर सेंसिटिव उसमें भी नजर आ जाते हैं। और हिस्टोलॉजिकली उसकी जब बायोप्सी लेंगे उसमें भी आपको एस्बेस्टोसिस के फीचर्स मिलेंगे। तो एक तो एक क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया है कि एविडेंस ऑफ कॉजेशन बाय एस्बेस्टोस एज डॉक्यूमेंटेड बाय द ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंटल हिस्ट्री। अब हमारे केस में बड़ा क्लिनिकल क्लू ही वहीं से मिला है कि एस्बेस्टोसिस हो सकती है। उसके मामू जाते थे, उनको हो गया एस्बेस्टोसिस हुआ, फिर कॉम्प्लिकेशन भी मेसोथेलियोमा हो गया, ही वॉज एडमिटेड एंड ही वॉज सीरियस। और इस बच्चे के भी उसके साथ आना जाना था हेल्प के लिए, तो उसको भी एक्सपोज उसी से एक्सपोजर हो गया। ये कोई इन्फेक्शियस नहीं है कि साथ रहने से हो जाती है, इकट्ठे एक कमरे में एक घर में रहने से दूसरे को एक्सपोजर नहीं होगी, लेकिन इकट्ठे जॉब करने से, इकट्ठे ऑक्यूपेशन से, सेम ऑक्यूपेशन से सेम एनवायरमेंट में अगर काम करें तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है, उसमें हो सकती है। तो एक से दूसरे को नहीं होती, ये नहीं कि इकट्ठे रह रहे तो हो गई, इट इज बिकॉज द जॉइंट एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशन एक्सपोजर ऑफ द पेशेंट। सो इसके अलावा मार्कर्स ऑफ एक्सपोजर प्लूरल प्लाक्स हो सकते हैं, रिकवरी ऑफ एस्बेस्टोस मटेरियल उसके लंग से हो सकती है हिस्टोलॉजिकली, और एक्सक्लूजन ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव प्लॉजिबल कॉजेज, यानी पॉसिबल और कॉजेज को एक्सक्लूड करके आपने एस्बेस्टोसिस लेबल करना। ये नहीं शुरू में एस्बेस्टोसिस कह रहे हैं, नॉट सो कॉमनली डायग्नोज इन आवर कंट्री, उस चीज को आपने दूसरे कंडीशन को एक्सक्लूड करके कहना है, ठीक है। एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे जो होता है उसमें एडवांस स्टेज में कई अरसे बाद, कई महीने साल बाद इसमें एक्सरे की चेंजेस आती हैं, एंड दिस बेसिकली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमिनिंग द प्रेजेंस ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोसिस। फाइंडिंग जो इसमें होगी वेरिएबल फाइंडिंग हो सकती है, लेकिन कॉमनली इसमें देयर आर स्मॉल इररेगुलर पैरेन्काइमल ओपेसिटीज प्राइमरीली इन द लंग बेसिस। फाइंडिंग्स जो होती हैं इनिशियली तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, इट इज अ क्रॉनिक डिजीज, तो उसमें स्मॉल इररेगुलर पैरेन्काइमल ओपेसिटीज होंगी और ये लंग बेसिस स्टार्ट होगा। तो ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की जैसे फीचर्स हैं कि लंग बेसिस इन्वॉल्व होती हैं, कैम्पशियल डिजीज में भी लंग बेसिस इन्वॉल्व होती है, इसमें भी लंग ये लोअर पार्ट इन्वॉल्व होगा। तो इसमें इररेगुलर स्मॉल इररेगुलर पैरेन्काइमल ओपेसिटीज होंगी छोटी छोटी। अब इस एक्सरे में जैसे आपको नजर आ रहा है कि अपर जो जोन है, अपर और मिडल जोन तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो लोअर जोन है चेस्ट का, लंग्स का, इसमें आप देख रहे हैं दोनों साइडों पे छोटी छोटी ओपेसिटीज हैं और मोर ऑन द लेफ्ट साइड। रिमेंबर दीज आर नॉन होमोजेनस ओपेसिटीज। नॉन होमोजेनस और होमोजेनस में फर्क यह है कि होमोजेनस होती यानी बिल्कुल व्हाइट होता तो दैट वुड बी अ डायग्नोसिस ऑफ कंसोलिडेशन, जो कि निमोनिया में हो जाती है या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी हो जाता है। लेकिन नॉन होमोजेनस का भी मतलब है कि जो छोटे छोटे ब्लैक एरियाज भी नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की अपीयरेंसेस बेसिकली इनफिल्ट्रेटिव लीजंस, और ये इस कंडीशन में विद हिस्ट्री ऑफ दिस एस्बेस्टोस एक्सपोजर, एनवायरमेंटल एक्सपोजर, तो उसको आपने एस्बेस्टोसिस कहना है। दिस इज आर इन्वॉल्व मोर ऑन द लेफ्ट साइड। नजर आ रहे बच्चे आपको ये एक्सरे? आयशा नजर आ रहे हैं? हैदर बच्चे एक्सरे नजर आ रहे हैं आपको?
Heather Khan? आवाज आ रही है सबको? आपको समझ आ रही है मेरी आवाज बच्चे? यस सर। तो बताओ ना, आप चुप हो, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तो मैं तो ये परेशान हो गया, मेरे को आवाज ही नहीं आ रही किसी को, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये एक्सरे जो देखे आपने, इसमें आपको ये समझ आ रही है कि छोटे छोटे ये जो इनफिल्ट्रेटिव रीजन है बेसिस के ऊपर नजर आ रहे हैं आपको अपना रमशा एक्सरे नजर आ रहे हैं? सर आ रहे हैं। HRCT, high resolution CT scan, that is more sensitive in diagnosing pulmonary fibrosis. 50% patients is yada. More than 50% of people affected with asbestosis develop plaques in the parietal pleura. The pleural plaques jo hote hain ye pehle nazar aate hain, calcified jaise hote hain, whitish se nazar aate hain, aur phir ultimately this enters ya iske baad kuch arse baad it can result in mesothelioma. So pleural plaques are the initial feature that may lead to even mesothelioma. So more than 50% of people affected with asbestosis develop plaques in the parietal pleura, jo ki CT scan par easily nazar aa jate hain, even x-ray ke upar bhi nazar aate hain, and aur ye parietal pleura jo space hoti between the chest wall and the lungs, ye aap dekh rahe hain, this is classical picture of asbestos exposure, aur isme ye infiltration dekh rahe hain, irregular si infiltration hai bilateral, aur ye kya hai, what is this? हाँ जी शाह बताओ, रमशा आप बताओ भाई जी, व्हाट इज दिस? गलत ही बता दो लेकिन कुछ तो बोलो ना। सर नहीं पता। चलें गुड शाबाश। आयशा आप बताओ बच्चे, व्हाट इज दिस? ये इंसिडेंटल फाइंडिंग है, इसके एस्बेस्टोसिस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंसिडेंटल फाइंडिंग है। पता तो चल रहा है ना मैं किस पे के क्या पूछ रहा हूँ, ये जो कैल्सिफाइड सा लीजन है कहाँ पे, कौन सा पार्ट है बॉडी का, व्हाट इज दिस पार्ट? बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं अक्सर ये, कौन सा एरिया है? आपने रेडियोलॉजी नहीं की है? इधर Which part of the body is this? ये कौन सा organ है? हैं? कोई बता दे। This is the arch of the aorta. Arch है, aorta की arch है, यहाँ से descending aorta, ये arch बन गया, फिर नीचे descending aorta, ये descending aorta जा रहा है नीचे, ये देखें ये फर्क है, इसमें और इसमें फर्क है, this is the heart border and this is the aortic border. तो ये दिस इज कैल्सिफिकेशन इन द आर्च ऑफ एओर्टा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पढ़ा होता है ऑस्पी में आपके क्वेश्चन लिखा होता है नीचे कि डिस्क्राइब द चेस्ट एक्सटेंशन फाइंडिंग्स में इस किस्म का अपीयरेंस हो, दिस इज कैल्सिफाइड आर्च ऑफ एओर्टा, ये यूजुअली एल्डरली में होता है, एल्डरली में 70-80 ईयर ओल्ड में कैल्सिफिकेशन हो जाती है तो आर्च ऑफ एओर्टा की, तो दिस इज इंसिडेंटल फाइंडिंग, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है एस्बेस्टोसिस, दिस मींस कि इसके प्रेजेंस ये शो करते हैं पेशेंट इज एल्डरली ओल्ड मैन है, और इसके अलावा आपको ये इन्फिल्ट्रेशन नजर आ रही जो एस्बेस्टोसिस में होती हैं, और ये नजर आ रहा है आपको ये एरिया, इट इज मोर वाइट देन द रेस्ट, ये देखें इसकी वाइटनेस ज्यादा चौकी वाइट है, दिस इज व्हाट इज दिस, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं इसके तरह की अपीयरेंस लगी होती है, पूछते हैं जी व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है, दोनों साइडों पे हम यहाँ तीन है और यहाँ दो है, ये क्या है,
जी बताओ बच्चे, गलत ही बता दो लेकिन बताओ ना, इससे आप लर्न करते हो। हाँ जी शाबाश, कोई बताए। हैदर बताओ बच्चे, व्हाट इज दिस? ठीक है, इस साइड पे दो है, इस साइड पे तीन है। आज वो नहीं आई अपना शमसा, शमसा नौरीन, क्या आज भी उनका वो माइक खराब है? शमसा मेरे ख्याल नहीं आई। हाँ जी रमशा आप भी बता दो बच्चे, व्हाट इज दिस? ये अच्छा, ये पार्ट कौन सा है बॉडी का? कौन सा पार्ट है, कौन सा एरिया बॉडी का? दिस इज द प्लूरा एंड दिस इज द प्लूरल प्लाक्स। ये देखें, ये प्लाक एक, ये दो, ये तीन, तीन प्लूरल प्लाक्स राइट साइड पे हैं और दो लेफ्ट साइड पे हैं। दिस इज बेसिकली कैल्सिफाइड प्लूरल प्लाक्स, फीचर ऑफ एस्बेस्टोसिस। ये बड़ा ही टिपिकल है। अब इस एक्सरे में आपने इसको बेशक मिस कर दें कि इसको तो मिस नहीं करना, दिखाना तो ये उन्होंने कि ये क्या चीज है इसमें, ये ठीक है, ये इंसिडेंटल फाइंडिंग थी लेकिन इसमें थी तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इनिशियली जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपने गौर करना है, इसके बारे में बताना है, दैट इज द प्लूरल प्लाक्स। राइट साइड पे तीन है, दो लेफ्ट साइड पे दो है और ये एक डायग्नोस्टिक साइन है ऑफ प्लूरल प्लाक्स, डायग्नोस्टिक, वन ऑफ द डायग्नोस्टिक फीचर है एस्बेस्टोसिस का। तो दिस इज प्लूरल प्लाक्स। देख लिए बच्चे आप सबने? हाँ जी फुरकान, इसकी समझ आई है आपको, ये प्लूरल प्लाक्स की? जी बच्चे बताओ ना, कोई रिस्पांस दो ना। हाँ जी हमजा, ये समझ आइए प्लूरल प्लाक्स कैसे देखते हैं और कहाँ पे होते हैं? इस साइड पे तीन है, इस साइड पे दो है, ये समझ आ रही है? ये नजर आ रहा है, ये एक एक, ये दो, ये तीन, इधर ये एक और ये दो। हमजा आपको नजर आ रहा है? इसकी समझ नहीं ना, ये एक फिर दोबारा शायद मौका ना मिले दिखाने का। इसी बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं सारे मेडिसिन के। और आपने रेडियोलॉजी में किए हैं, चेस्ट रेडियोलॉजी की कर ली है? चेस्ट एक्सरे सर अभी कुछ लेक्चर्स हुए हैं, कुछ हो रहे हैं। चेस्ट एक्सरे के, चेस्ट एक्सरे के ऊपर सिर्फ सर, चेस्ट एक्सरे के ऊपर सर ने सिर्फ कार्डियोमेगाली वगैरह अभी थोड़ा सा बताया उसके बारे में, तो अभी पढ़ रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा नहीं बच्चे, चेस्ट में तो ठीक है, कार्डिक मैगेली, कार्डिक शेडो भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसके अलावा लंग्स के शेडो, बोनी शेडो, सॉफ्ट टिश्यू शेडो, ये सारे रेडियोलॉजी में आपको कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखने में टाइम के साथ साथ आपको डॉक्टर मान सारा बता देंगे। एनी ऑफ सो ये दिस वॉज बेसिकली प्लूरल प्लाक्स सीन इन एस्बेस्टोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस एस्बेस्टोसिस क्या है? इट इज वन ऑफ द इंटरस्टीशियल लंग डिजीजेस, इंटरस्टीशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, इंटरस्टीशियल लंग डिजीजेस है, और इसको अदर इंटरस्टीशियल लंग डिजीज जैसे न्यूमोकोनियोसिस के साथ भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इट इज एन ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। इसके डिफरेंट डायग्नोसिस में इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस आएगा, जो कि मैं आपको करा चुका हूँ, जिसका कोई नॉन इटियोलॉजिकल फैक्टर एसोसिएटेड या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं होता, इडियोपैथिक होगी। तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस या हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, जो कि लास्ट हमारी जो टॉक थी दैट वाज अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। व्हाट इज अदर नेम फॉर हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस? मैं आपको करा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, इसका दूसरा नाम क्या है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस को और क्या कहते हैं? शाबाश कौन बताएगा? हाँ जी हैदर बताओ बच्चे, व्हाट इज अदर नेम फॉर हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस? हाँ जी सर, फार्मर लंग डिजीज नहीं, फार्मर लंग डिजीज you are right, that is one type of hypersensitivity pneumonitis, लेकिन इसकी और नाम भी है, वो तो occupational lung disease होगी ना, farmer lung disease. Extrinsic allergic alveolitis. Very good, excellent. Extrinsic allergic alveolitis. This is another name for extrinsic allergic alveolitis, जो last time आपको करा चुका था। वो क्या याद है पिछली बात, उसका किस चीज exposure था हमारे patient को? सर पिजन ड्रॉपिंग के साथ। वेरी गुड, पिजन ड्रॉपिंग्स के साथ है, शाबाश गुड। उसका सिंपल होता है कि मेडिसिन में जो बात पढ़ाई जाए, जो कराई जाए, उसको घर जाके सिर्फ 10 to 15 मिनट्स उसको सिर्फ पढ़ें,
10 से 15 मिनट आप अपनी दीगर इल्मी मसरूफियात से निकाल के तो 10 से 15 मिनट खाली पढ़ें तो वो आपको याद हो जाएगा। इस तरह मैं बच्चों से थर्ड ईयर से ही आपको कह रहा हूँ कि क्लिनिकल मेथड्स की जो बुक है उसको जस्ट गो होम एंड रीड फॉर एटलीस्ट 20 to 25 minutes, 20-25 मिनट रोजाना पढ़े तो आपके मेथड परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन टाइम का पता नहीं चला, देखें आप थर्ड ईयर में थे, मैंने आपको कहा फिर फोर्थ ईयर में आए, अब नाउ यू आर इन फाइनल ईयर, और अब आपका प्रोफ पता है ना कब है, प्रोफ डेट आ गई है उसकी, कब कब है सर? फरवरी में सर, फरवरी में, तो अभी वी हैव गॉट टाइम, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में नेक्स्ट मंथ तो कॉलेज खुल जाएगा, आप लोग आ जाओगे, फिर आपको पूरे जोश और जज्बे के साथ एक तो ये भी कराने साथ क्लिनिकल मेथड पे जोर देना ताकि पास फेल तो मेथड क्यों होने, थ्योरी तो आपकी हो जाती है, बहरहाल एनी हो तो आएंगे तो इंशाल्लाह सारा हो जाएगा, और इसके अलावा सात पर डोसेस भी इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन जाता है। ट्रीटमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, देयर इज नो क्योर अवेलेबल फॉर एस्बेस्टोसिस, कोई क्योर नहीं है, और इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है, क्योंकि पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रही होती है, उसके पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होता है, तो उसमें वी हैव टू गिव ऑक्सीजन थेरेपी, डोमिसिलरी ऑक्सीजन थेरेपी, आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके रख सकते हैं घर में छोटा सा, उसको SOS बेस के ऊपर ऑक्सीजन लगाएं, जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगे या उसको पता हो कि आप मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इस एनवायरनमेंट में हो सकती है, तो उसमें उसको आपने होम के ऊपर ऑक्सीजन थेरेपी देनी है टू रिलीव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड करेक्ट अंडरलाइंग लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को बेहतर करने के लिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें वी हैव टू थिंक ऑफ गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी। इसके अलावा फिजियोथेरेपी हो सकती है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पे, जिसमें पोस्टरल ड्रेनेज होगी लंग्स की, चेस्ट परकशन कप्ड हैंड के साथ जो परकशन होती है, मैं आपको जब क्लिनिकल साइड पे आप आएंगे वार्ड में तो बताऊंगा कैसे चेस्ट परकशन की जाती है। एक तो होती है ना क्लिनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेथड में इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, ऑस्पिटेशन, एक थेरेप्यूटिक परकशन होती है, उसमें वो नहीं परकशन करनी होती जैसे क्लिनिकल मेथड में कर रहे हैं, उसमें कप्ड हैंड के साथ कर रही होती है टू dislodge the mucus impacted in the airways, उसको dislodge करने के लिए कब percussion होती है तो वो आपको करके बता दूंगा, वेरी सिंपल है। और इसके अलावा vibrations, vibrators होते हैं chest के ऊपर apply करते हैं, उससे patient की भी ये जो scutum होती है that is drained out। So तीन steps हैं physiotherapy की कि जिसमें आपने patient को posterior drainage करनी है, then we have to go for chest compression that is cupped hand के साथ percussion and you may apply vibrators। इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर्स लगाते हैं और उससे जो चेस्ट वाइब्रेट करती है और स्कूटम डिसलॉज हो जाता है। नेबुलाइज मेडिकेशंस अगेन इंपॉर्टेंट है टू रिलीव द ब्रोंकोस्पैज्म, हो गए इसमें स्टीरॉयड भी हो सकते हैं, बीटा टू एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर्स भी हो सकते हैं, और साथ दे ऑल्सो कॉज एक्सक्रीशंस टू गेट लूजन, लूज होकर निकलती हैं, और जिसमें COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में भी ये इंपॉर्टेंट होता है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट न्यूमोकोकल निमोनिया भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप इनको वैक्सीनेट भी कराना होता है, और एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन भी लगाते हैं ताकि क्योंकि इन बीमारियों की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है एस्बेस्टोसिस में, तो आपने पेशेंट को न्यूमोकोकल वैक्सीन भी देनी होती है, साथ इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी देनी होती है, क्योंकि दीज पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू डिवेलप दीज डिजीजेस। न्यूमोकोकल निमोनिया यानी कम्युनिटी क्वाइड निमोनिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, उसमें इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो ज्यादा होती है। सो इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट न्यूमोकोकल निमोनिया एंड एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन इज एडमिनिस्ट्रेड ड्यू टू इंक्रीज सेंसिटिविटी टू द डिजीज, दोज एस्बेस्टोसिस आर एट इंक्रीज रिस्क फॉर सर्टेन कैंसर्स। कौन से कैंसर्स हो सकते हैं इसके साथ बताएं, कौन से कैंसर हो सकते हैं बताओ, शाबाश, मैं भी बता चुका हूँ आपको। हाँ जी, एस्बेस्टोसिस एक्सपोजर के साथ कौन से कैंसर होंगे बच्चे? मेसोथेलियोमा, मेसोथेलियोमा, वेरी गुड, शाबाश। और मेसोथेलियोमा, गुड, वेरी गुड। मेसोथेलियोमा किसका कैंसर होता है, कौन सी बॉडी पार्ट का? हाँ जी, कौन से बॉडी बॉडी के से होता है? रमशद ने मेरे ख्याल बताया था, जवाब दिया था। हाँ जी, तो रमशद कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है मेसोथेलियोमा में? मेसोथेलियम, प्लूरा, प्लूरा, प्लूरल, पैराइटल प्लूरा, ठीक है ना, गुड, शाबाश। और एक तो मेसोथेलियोमा हो गया,
एस्बेस्टोसिस के साथ कॉम्प्लिकेशन के तौर पे और कौन सा कैंसर हो सकता है? तीन कॉम्प्लिकेशन होती हैं, एक तो मेसोथेलियोमा हो गया और देन ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी हो सकता है एस्बेस्टोस एक्सपोजर के साथ। एंड द थर्ड कॉम्प्लिकेशन इज पल्मोनरी हार्ट डिजीज। पल्मोनरी हार्ट डिजीज का मतलब यह है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गई और कोर पल्मोनेल उसके नतीजे में हो गया, वो आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी वही है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पल्मोनरी हार्ट डिजीज भी हो सकती है एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एस्बेस्टोस एक्सपोजर। मेसोथेलियोमा, ये थोड़ा सा उसका जिक्र भी हो जाए, मैंने एक्चुअली इस टॉपिक में आज का जो थीम था उसमें तो जस्ट वी हैव टू आई मेंशन के एस्बेस्टोसिस है, लेकिन जहाँ एस्बेस्टोसिस का जिक्र होगा वहाँ मेसोथेलियोमा का भी जिक्र उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो ये इसका एसोसिएशन है, तो इसको हम नेक्स्ट उसमें थ्योरेटिकली इंक्लूड कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आज ही आपको करा रहा हूँ, समझ रहे मेरी बात को, आज मैं आपको मेसोथेलियोमा करा रहा हूँ तो नेक्स्ट वीक जो होगा उसमें इसको भी ऐड कर देंगे ताकि आपके रिकॉर्ड में आ जाए, ठीक है। तो बाकी टॉपिक्स में होंगे नेक्स्ट वीक, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक है, दो चार मिनट का, इसका लेंथी नहीं है। तो मेसोथेलियोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट डेवलप्स ऑन द थिन लेयर ऑफ टिश्यू दैट कवर्स मेनी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, और इस टिश्यू को कहते हैं मेसोथेलियम। आप एनाटॉमी से, आपकी नॉलेज से आपको पता ही है, और द मोस्ट कॉमन एरिया जो कि अफेक्ट होता है लाइनिंग ऑफ द लंग्स एंड चेस्ट वॉल, और उस लाइनिंग ऑफ द लंग्स और चेस्ट वॉल को क्या कहते हैं, पैराइटल प्लूरा। सो पैराइटल प्लूरा जो होता है दैट इज बेसिकली लाइंस द लंग्स और चेस्ट वॉल इज अ मेसोथेलियम बाय नेचर, और उसका जो ट्यूमर होता है उसको मेसोथेलियोमा कहते हैं। 80% ऑफ मेसोथेलियोमा केसेस आर कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस। आप इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि एस्बेस्टोस एक्सपोजर जो था, एक लंबे अरसा आदमी उस एनवायरमेंट में रहे, ऑक्यूपेशनली रहे, जॉब के सिलसिले में रहे, जैसे हमारा पेशेंट था उसके मामू को हो गए मेसोथेलियोमा और बच्चा था 10 साल का, तो अगर वो भी उससे भी कॉन्स्टेंट एक्सपोजर रहेगा तो देन ही इज एट अगेन रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेसोथेलियोमा। सो मोर देन 80% ऑफ मेसोथेलियोमा केसेस आर कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस। इतना ज्यादा इसका लिंक है विद एस्बेस्टोस एक्सपोजर, और द ग्रेटर द एक्सपोजर द ग्रेटर द रिस्क। जितना ज्यादा उस एनवायरमेंट में आदमी रहेगा, जॉब के सिलसिले में ड्यूरेशन ड्यूटी ज्यादा है, ज्यादा एक्सपोज होगा एस्बेस्टोस फाइबर्स के ऊपर, तो उसका उतना ही ज्यादा एक्सपोजर हो जाएगा और उतना ही ज्यादा उसका रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेसोथेलियोमा बढ़ जाएगा। सो द ग्रेटर द एक्सपोजर द ग्रेटर द रिस्क। एक्सरे में क्या आएगा, प्लूरल थिकनिंग आएगी शुरू में, ये पहले एक्सरे में रिवील प्लूरल थिकनिंग कॉमनली सीन आफ्टर एस्बेस्टोस एक्सपोजर, और उसमें फिर आगे चल के वन शुड सस्पेक्ट मेसोथेलियोमा। इवन प्लूरल थिकनिंग भी होगी उसको भी आपने सस्पेक्ट करना है कि मेसोथेलियोमा हो सकता है, प्लूरल प्लाक्स में भी सस्पेक्ट करना है हो सकता है, और अगर फुल फ्लेज मेसोथेलियोमा तो उसके अपने एक फीचर्स हो जाते हैं, यू नो कि ट्यूमर जब आता है कहीं का भी हो तो वो बिकम एग्रेसिव, उसका फीचर ये होता है कि उसमें न्यू प्लास्टिक सेल्स होते हैं, न्यूक्लेजिया हो रहा होता है, न्यू सेल्स बन रहे होते हैं, तो ग्रोथ की उसके ऊपर इनहिबिशन नहीं होती, तो वो बिकम एक्सेसिव हो जाते हैं, अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं, तो उसमें इरेगुलर सी पिक्चर आ जाती है। सारी बात आने का मकसद ये है कि जो ट्यूमर की जब भी अपीयरेंस आएगी, जब भी कोई आपको इरेगुलर सा चेस्ट एक्सरे में फाइंडिंग नजर आएगी, जो इरेगुलर है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है, स्मूथ नहीं है, तो ऑलवेज थिंक ऑफ सम ट्यूमर इधर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, और अगर प्लूरा के अंदर है, प्लूरा स्पेस के साथ है, तो उसको मेसोथेलियोमा भी कह सकते हैं, प्लूरल पैराइटल प्लूरा का ट्यूमर भी। सो द एक्सरे में रिवील प्लूरल थिकनिंग दैट इज कॉमनली सीन आफ्टर एस्बेस्टोस एक्सपोजर एंड इंक्रीज सस्पिशन ऑफ मेसोथेलियोमा। और ये एक्सरे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड के ऊपर ये फाइब्रोसिस भी हुई है, इवन हार्ट हैज पुल्ड टुवर्ड्स अपसाइड, और ये एरिया आप देख रहे हो, इस एरिया में देर इज ब्लरिंग ऑफ द कॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल, तो बिल्कुल भी प्लूरल थिकनिंग भी हो सकती है, और इसमें फाइबर्स एक दूसरे के अंदर गए हुए हैं, दिस कैन बी एज रिजल्ट ऑफ मेसोथेलियोमा। इसको कंफर्म आप कराएंगे जस्ट बाय गोइंग फॉर HRCT, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन से कंफर्म हो जाएगा, और अल्टीमेटली यू हैव टू गो फॉर हिस्टोपैथोलॉजी, बायोप्सी करनी होगी। तो ये एक्सरे पिक्चर है सस्पेक्टेड लेफ्ट साइडेड मेसोथेलियोमा की, तो ये एक एक्सरे में आपको फाइंडिंग्स मिलेगी। मेसोथेलियोमा इज जेन रेजिस्टेंट टू रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, सर्जिकली ट्रीटमेंट हो सकती है, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के उसकी डीकॉर्टिकेशन करेंगे या प्लूरेक्टमी करेंगे,
is the most common surgery in which lining of the chest is removed, छोटा सा उसमें लिंक दे के निकाल देते हैं, तो प्यूरेक्टमी करेंगे या डीकॉर्टिकेट करेंगे पूरे लंग का लोब, और उससे दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस सर्जरी का। जहाँ तक रेडिएशन का ताल्लुक है, कीमोथेरेपी का ताल्लुक है, उसका कोई इतना इफेक्टिव रोल नहीं है, वो रेजिस्टेंट होता है मेसोथेलियोमा, लेकिन यू मे गो फॉर रेडियोथेरेपी पोस्ट सर्जिकली। तो सर्जरी के बाद आपने उसकी रेडिएशन भी कर सकते हैं, कीमो का भी इतना रोल नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एस्बेस्टोसिस एंड मेसोथेलियोमा, जो कि लिंक्ड है एस्बेस्टोसिस के साथ। जब भी एस्बेस्टोसिस के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो यू शुड हैव अंडरलाइंग नॉलेज ऑल्सो ऑफ mesothelioma, because mesothelioma is very commonly seen in asbestosis. Asbestosis में common है, ऐसे overall तो उसका incidence कम है, लेकिन asbestosis अगर patient को है तो उसमें इसकी 80% cases में asbestosis केस में you can get mesothelioma, the tumor of the mesothelium membrane की। So here I stop। जी बताएं, हमसे बताओ। सर नॉर्मल सीटी स्कैन में और हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन में क्या डिफरेंस होता है? हाई रेजोल्यूशन में तो उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा डीप हो जाती है ना, स्लाइस जो उसके हैं बड़े प्रिसाइजली देख नजर आते हैं और प्रिसीजन उसकी बढ़ जाती है। बाकी जो उसकी डिटेल्स हैं कि एक नॉर्मल सीटी स्कैन और HRCT में कि क्या फर्क है, किस तरह उसको देखा जाता है, उसकी क्या फीचर्स हैं, तो ये तो रेडियोलॉजी वाले मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से बताएंगे, डॉक्टर नुमान या डॉक्टर असलम, ठीक है, वो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन अबाउट द रेडियोलॉजी बेसिकली स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन, लेकिन उसमें हाई रेजोल्यूशन में जैसी बात उसकी रेजोल्यूशन बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है, एक चीज बेहतर तरीके से नजर आती है, बेहतर तरीके से पिक हो जाती है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, और क्वेश्चन ना? आपके दोनों एडमिट्स जो है ना, बिलाल हाशिम नजर आ रहे हैं और ना वो अपना शमसा नौरीन नजर आ रही है। कहाँ गई शमसा नौरीन और बिलाल हाशिम? इसी दफा तो माइक खराब था ना अपना शमसा का, तो अब तो मेरे ख्याल में शायद लैपटॉप खराब है, क्या बात है, क्योंकि उन्होंने लिंक नहीं मिला उनको जिस पे उन्होंने आना था, ज्वाइन करना था। शमसा अब तो आपकी फ्रेंड है शमसा, तो वेयर अबाउट्स पता है उसकी, आज क्यों लेक्चर ज्वाइन नहीं किया उन्होंने? नहीं पता सर। अच्छा, आपके अलावा और कौन उनके साथ एसोसिएटेड होता है? क्योंकि उनका तो पीछे में तो बैठी थी, मतलब थी, ज्वाइन तो किया हुआ था, लेकिन थी वो नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में आई नहीं है, क्योंकि मुझे पार्टीशन में कहते मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि वो अगर माइक खराब होगा तो फिर अगेन वो प्रॉब्लम सेम ही होगी। नहीं है शमसा तो कहीं नजर नहीं आ रही इसमें, तो वो अपना बिलाल हाशिम भी मेरे ख्याल में नहीं है, ये एडवांस अपने फराइज जो है वो बखूबी अंजाम नहीं दे रहे, ठीक है ना, मेरा उनको बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर्स, अगर जो ऑनलाइन हो रहे हैं जूम से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी इंपॉर्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सारे आपके इम्तिहान में आने हैं, मतलब उस इम्तिहान के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मसला ये है मेडिसिन का कि मेडिसिन इज सच अ लेंथी सब्जेक्ट कि इसको रिवाइज करने का बड़ा टाइम लेगा ही नहीं, इसलिए थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में ये खत्म होता है, तीन साल के उसके बाद, खासतौर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में तो कराते ही मेडिसिन के जो टिपिकल लेक्चर्स टॉपिक वाइज, ह्यूज सब्जेक्ट, तो इसलिए इसमें मिस ना करें लेक्चर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने घंटा डेढ़ तो लगाना होता है घर में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको मिस ना करें।